नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज आपके लिए खास वीडियो लेकर आया हूं जो है तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2024। जी हां, यदि आपका जन्म हुआ है तुला राशि में, यानी कि जन्म के समय आपका चंद्रमा तुला राशि में था, तो ये खास वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस विस्तृत वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन के हर पहलू से संबंधित वर्ष 2024 की भविष्यवाणी। आशा करता हूं कि इससे आपको लाभ होगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि नहीं मालूम, तो आपकी नाम राशि यदि तुला राशि है तो भी आप इस राशिफल वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। यह विशेष वीडियो हमने आपके लिए ही निर्मित किया है, वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और वर्ष 2024 के दौरान ग्रह गणना और ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को बताने के लिए ही इसे निर्मित किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष आपको किन क्षेत्रों में अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी और कहां आपको सावधानी रखनी होगी तथा किन क्षेत्रों में आप मजबूत दिखेंगे और किन क्षेत्रों में आपको कम मेहनत से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो ये सभी जानकारियां आपको इस तुला वार्षिक राशिफल में मिल सकती है। यह भविष्यवाणी आपको ये जानने में भी मदद करेगी कि आपके करियर के लिए वर्ष कैसा रहेगा, क्या आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी अथवा परेशानियों का सामना करना होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा, क्या आपको व्यावसायिक रूप से उन्नति मिलेगी या नहीं, आपका निजी जीवन कैसा होगा, प्रेम संबंधों में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा या उसमें कुछ परेशानी आएंगी, संतान को लेकर आपको कैसे समाचार मिलेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी और आपका स्वास्थ्य किस करवट बैठेगा, आपकी वित्तीय स्थिति क्या रहेगी और कब धन लाभ के योग बनेंगे, ये सभी जानकारियां आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इस तुला राशिफल के वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। इसके साथ आप ये भी जान पाएंगे कि इस वर्ष के दौरान कौन सा ऐसा समय होगा कि जिसमें आप कोई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं और कब ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा, आपको धन का निवेश करने से लाभ होगा या हानि और उसके लिए अच्छा समय कौन सा होगा, ये सब कुछ जानने के लिए इस राशिफल 2024 को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके सप्तम और एकादश तथा द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु महाराज का छठे भाव में और केतु महाराज का द्वादश भाव में बने रहना इस पूरे वर्ष निश्चित रहेगा। यह वर्ष आर्थिक तौर पर आपको उन्नतिवान बनाएगा। किसी नए व्यापार की शुरुआत आप वर्ष के पूर्वार्ध में भी कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के भी अच्छे योग बनेंगे। मन में मीठी वाणी का संकल्प लेकर आप वर्ष की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके अपने भी आपसे खुश रहेंगे। इस वर्ष विदेश जाने की संभावनाएं कम बनेंगी और हो सकता है कि कई बार आपकी योजना बनते बनते रह जाए, लेकिन निराश ना हो। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान दें। चलिए बात करते हैं आपके प्रेम राशिफल की। प्रेम संबंधों की इस वर्ष की शुरुआत में अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा बोलने वाला बनाएंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के दिल को जीतने में कामयाब रहेंगे और मीठी मीठी बातों से उनके दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहां से सप्तम, एकादश और दूसरे भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रेम विवाह करने के लिए उत्साह दिखाएंगे। तुला राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग भी बनेंगे। शनि महाराज यहाँ स्थित होकर आपको ये बताएंगे कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने संजीदा हैं। यदि आप वास्तव में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बीच बीच में अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीनों में आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान आपके बीच का सामंजस्य बिगड़ सकता है, लेकिन शेष समय प्रेम जीवन को अच्छा ही बनाए रखेगा और आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मार्च का महीना बहुत रोमांटिक रहेगा। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक का समय आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और उसी का प्रभाव होगा कि वर्ष के अंतिम महीनों में आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। आते हैं अब आपके करियर पर। इसके अनुसार आपको अपने करियर को लेकर इस वर्ष कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे और शनि महाराज पंचम में रहेंगे। सूर्य और मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे तथा राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर होने से आप किसी भी चुनौती का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे और आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में उसे बेहद अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा से आपको अच्छे पद की प्राप्ति भी होगी।
तुला का करियर राशिफल 2024 ये संकेत देता है कि आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना कुछ परेशानी भरा होगा। इस दौरान आपको दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि पहली नौकरी में कोई अड़चन आ सकती है। मई और जून के महीने के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच सकते हैं और उसकी वजह से आपको अपने करियर में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय आपको उन्नति प्रदान करेगा। आपके लिए अगस्त से दिसंबर का समय बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी नौकरी में मजबूती के साथ हर काम को बढ़िया तरीके से करेंगे और अपना एक अलग स्थान बना पाएंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, जानते हैं शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों के लिए वर्ष कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। शनिदेव पंचम भाव में रहेंगे, यही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपने अध्ययन को विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए मार्च से मई और अगस्त तथा अक्टूबर के महीने ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यह वर्ष आपको राहु महाराज की कृपा दिलाएगा और उससे आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी योग्यता को और बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे कि आपको मनचाहे उत्तम परिणाम प्राप्त हो सके और आप अपने मनपसंद विषयों को पढ़ने में कामयाब हो सके। विदेश जाकर पढ़ने का सपना कुछ हद तक ही पूरा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह वर्ष आपको इंतजार करने का ही संकेत दे रहा है। बात करते हैं आपके वित्त की, जिसके लिए आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा रहेगा। शनिदेव एकादश भाव पर पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे। वर्ष की शुरुआत बढ़िया रहेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपको वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने को प्रेरित करेंगे। मंगल महाराज की कृपा से मई, मार्च और अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर अच्छा दिखाई देगा। सूर्यदेव की कृपा भी आप पर रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। आप वित्तीय तौर पर मजबूत स्थिति में आएंगे। परिवार की बात करें तो पारिवारिक तौर पर यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र बुध रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, लेकिन फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने पर ध्यान देना होगा। मई के बाद से स्थितियां अच्छी होंगी। आप अपने परिजनों के सहयोग से अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में भी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। आपके भाई बहन आपके लिए प्रेरणाकारी बनेंगे और आपकी मदद भी करते रहेंगे, इससे आपको खुशी होगी। संतान की बात करें, आपकी संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। आपकी संतान धीरे धीरे अपने क्षेत्र में उन्नति करेगी। यदि वे विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ाई में खुद को जमाने का मौका मिलेगा और उनकी एकाग्रता उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। यदि वो कहीं नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो यह वर्ष उन्हें अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और अपनी संतान की उन्नति देखकर आपको भी खुशी महसूस होगी। हालांकि तुला राशिफल 2024 के अनुसार इसी वर्ष 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर पंचम भाव से होकर गुजरेगा तो उस दौरान संतान का विशेष ध्यान रखें, उनकी संगति ना बिगड़ने पाए, उनका स्वास्थ्य ना बिगड़ने पाए और किसी तरह की चोट आदि भी लग सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे तो बाकी समय अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। बात करते हैं विवाहित जातकों की, तो वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी है। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज स्वयं विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा, आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी समर्पित नजर आएंगे। दूसरी ओर आपके जीवन साथी के मन में भी अच्छा ज्ञान और धर्म रहेगा, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बेहतर रहेगा, जिससे वर्ष का पूर्वार्ध बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज भी अष्टम में चले जाएंगे, तब थोड़ी स्थितियों में बदलाव आएगा। हालांकि तब आपको अपने ससुराल के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और आप भी उत्साहित नजर आएंगे। वैसे देखें तो 12 जुलाई से 26 अगस्त और फिर 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का समय वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ज्यादा अनुकूल नहीं है,
इस दौरान आपके बीच लड़ाई झगड़े या कहासुनी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह होने के प्रबल योग बन सकते हैं, विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में ऐसा होने की संभावना अधिक है। बात करते हैं व्यापारिक जातकों की। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि और बृहस्पति का मुख्य योग तथा वर्ष की शुरुआत में राहु का छठे में होना, सूर्य मंगल का तीसरे और बुध शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यावसायिक उन्नति की ओर संकेत करता है। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी जो आपकी उम्मीदों से भी अच्छी होगी, इसलिए आप संतुष्ट नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने पर भी विचार करना होगा, क्योंकि उनके बिना आपको काम में इतना परिणाम अच्छा नहीं मिल पाएगा जितने की आपने उम्मीद की। उसके बाद का समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। अप्रैल और अगस्त के महीने सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने में मदद करेंगे और उनसे आपके व्यापार को नई गति मिलेगी। वर्ष के शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आकर भी अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। बात करें तुला राशि के जातकों की संपत्ति और वाहन की, तो संपत्ति के लिहाज से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। आप यदि कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वर्ष के पूर्वार्ध में खरीदना उत्तम रहेगा। यह ज्यादा अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान वाहन लेने में आसानी भी होगी। यदि आप किसी तरह का कोई बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो वो भी आसानी से हो जाएगा और आपको वाहन खरीदने में सफलता मिलेगी। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच वाहन खरीदना और भी अधिक उपयुक्त रहेगा और इस दौरान एक मजबूत वाहन खरीदने में आप कामयाब हो सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त देखें तो जुलाई का महीना और दिसंबर का महीना भी अनुकूल रहने वाला है। संपत्ति की खरीदारी अर्थात अचल संपत्ति की खरीदारी के लिए साल अच्छा है। कोशिश करें कि कोई बना बनाया मकान लें, यह आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में ही निवेश करना चाहते हैं तो प्लॉट लेने की बजाय बना बनाया मकान लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। आप भले ही उसे तोड़कर दोबारा बनवा लें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। खाली जमीन के मुकाबले बना बनाया मकान ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। आपको फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के बीच संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। बात करें आपके धन और लाभ की, तो आर्थिक तौर पर यह साल उन्नति प्रदान करेगा। आपके दूसरे भाव में बुध और शुक्र विराजमान होकर आर्थिक उन्नति प्रदान करेंगे और शनिदेव जी पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे और वर्ष पर्यंत अच्छी आमदनी का जरिया आपको प्रदान करेंगे। तुला राशिफल 2024 के अनुसार बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होने से आपको अच्छे ढंग से धन प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि केतु महाराज पूरे वर्ष 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो अनेक प्रकार के खर्च आपसे कराते रहेंगे। खर्च अचानक से आएंगे लेकिन आप आवश्यक प्रकृति के होंगे, इसलिए आपको इन पर खर्च करना ही होगा। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना, स्वयं की पॉलिसी लेना, ऐसे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। इससे आर्थिक स्थिति पर बीच बीच में दबाव भी आएगा, लेकिन शनि महाराज की कृपा और राहु के छठे भाव में होने से आपको लाभ होगा। आपको अप्रैल के महीने में व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है और अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। इसके बाद दिसंबर का महीना भी आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। अगर आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो परंपरागत निवेश के तरीकों को अपनाना ज्यादा लाभदायक रहेगा। दीर्घ अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको और अधिक फायदा मिल सकता है। जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों के दौरान अच्छी सलाह लेकर निवेश करना आपको फायदा देगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो बेहतर होगी और राहु छठे भाव में पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बदलना होगा। यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में रखेंगे तो इस वर्ष अचानक से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि जैसे बीमारियां आएंगी वैसे ही चली भी जाएंगी, लेकिन आपको परेशान करके जाएंगी। आपको रक्त संबंधित अशुद्धियां, अनियमित रक्तचाप का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में समस्या हो सकती है, पेट में दर्द या पाचन तंत्र अथवा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं वर्ष के पूर्वार्ध में अधिक होने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति अष्टम में होंगे और केतु द्वादश में बने रहेंगे तथा राहु छठे भाव में और शनि पंचम में होंगे। इस दौरान आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए भरपूर सतर्कता रखें। साल 2024 में तुला राशि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अंक होंगे 5 और 8। 2024 का जो कुल योग है वो 8 है। यह साल तुला राशि के जातकों के लिए यानी आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आप जितना प्रयास करते जाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छे परिणाम आपको इस वर्ष मिलेंगे। यह वर्ष आपको भाग्यशाली भी बना रहा है, तो भाग्य की कृपा से आपके रुके हुए काम बनेंगे और आप इस वर्ष अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। आर्थिक तौर पर भी यह वर्ष आपको उन्नति दे सकता है।
अब आपको बताते हैं वो विशेष उपाय जो इस वर्ष आपको करने चाहिए। आपको शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एक उत्तम गुणवत्ता का हीरा रत्न या ओपल रत्न धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसे आप शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में अपनी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना दोमुखी झंडा लगाना चाहिए। साथ ही भगवान श्री भैरवनाथ जी की उपासना करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का राशिफल। आशा करता हूँ ये आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का कारण बनेगा। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।